बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमिलनाडु प्रकरण के बाद उनके खिलाफ चल रहा भाजपा विधायक के साथ मारपीट करने और रंगदारी मांगने का केस खुल गया है। तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं। 27 जून को मनीष कश्यप को बेतिया लाया जाएगा। रंगदारी और मारपीट के पुराने केस में बेतिया कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा को लेकर फेक वीडियो बनाने और प्रसारित करने का आरोप है। इसे लेकर उनके खिलाफ NSA भी लगाया गया। बिहार आर्थिक अपराध इकाई में कई केस दर्ज हैं। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तमिलनाडु प्रकरण के बाहर भाजपा विधायक के साथ मारपीट करने और रंगदारी मांगने का केस खुल गया है। इस मामले में 12 जून को सुनवाई होनी थी। मदुरई सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति होने की बात कही गई है, लेकिन कुछ कारणों से बेतिया कोर्ट ने 27 जून को उन्हें फिजिकली हाजिर करने का निर्देश दिया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उमेश कुमार विश्वास ने कहा है कि मनीष के खिलाफ मझोलिया थाने में दर्ज मामले में 27 जून को सुनवाई होगी। उसे बेतिया लाने की प्रक्रिया चल रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। जानकारी के मुताबिक 2020 मनीष कश्यप पर बीजेपी नेता उमाकांत सिंह के साथ मारपीट करने, रंगदारी मांगने का आरोप है। त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने 2020 में चनपटिया सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। उसी सीट पर बीजेपी नेता भी भाग्य आजमा रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, उसी मामले में यह केस दर्ज किया गया है। बता दें कि 18 मार्च को इसी साल मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर अपनी गिरफ्तारी दी थी। बैंक मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर 2022 में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसी मामले में कोर्ट से कुर्की का आदेश मिलने पर 18 मार्च को बेतिया पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की। उसके बाद मनीष कश्यप ने सरेंडर भी कर दिया था। आपको बता दें, वहीं से आर्थिक अपराध इकाई पटना ले गई और आर्थिक अपराध इकाई में मनीष कश्यप पर कई FIR भी दर्ज हैं। उधर तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही थी। तमिलनाडु मामले में मदुरई में भी केस दर्ज है। उसे बिहार से मदुरई ले जाया गया। कोर्ट के आदेश पर मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है। मनीष कश्यप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सभी राज्यों में दर्ज केस को क्लब करने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इससे साफ इनकार कर दिया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।